बॉलीवुड किंग खान की फिल्म मैं हूं ना से कौन वाकिफ नहीं। फिल्म की जानदार कहानी और कास्ट की लाजवाब अदाकारी ने फिल्म को सुपरहिट कर दिया। फिल्म के दिलचस्प किरदार सतीश शाह ने थूक फेंकने का मजाया किरदार अंजाम दिया, जिसे मद्दाहों ने बहुत पसंद किया। सन 2004 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म मैं हूं ना किसे नहीं याद, ये वो फिल्म थी जिसने कई अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म में गैर मामूली और मजाया सीन भी थे, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर रसाई यानी सतीश शाह की आदत थी कि वो बात करते हुए मुंह से थूक सामने वाले पर फेंकते हैं। प्रोफेसर की इस आदत से न सिर्फ तालिबे इल्म बल्कि असातिज़ा भी परेशान थे, इसलिए उनसे फासला रख कर गुफ्तगू करते थे या उनसे बात करने में खार खाते थे। ताहम अब कई साल बाद सतीश शाह ने अपने माजी के उन दिनों को याद किया और उस किरदार से मुतालिक दिलचस्प कहानी सुनाई। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सतीश शाह ने बताया कि यह किरदार बिल्कुल आसान नहीं था और ऐसे बात करना के मुंह से थूक आए ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। मैं बहुत सारा पानी मुंह में रखता था और कुछ अल्फाज का तलफ़ुज़ ऐसे अदा करता था कि मुंह से पानी स्प्रे की तरह बाहर निकले। सतीश शाह ने बताया कि मैंने इस अदाकारी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब भी शाहरुख खान मेरे सामने होते वो बहुत हंसा करते थे, जिसकी वजह से हमें रीटेक लेना पड़ता। एक मरतबा शाहरुख खान के हंसने की वजह से हमने 8 रीटेक्स लिए, जिस पर मैं बहुत नाराज हो गया। मैंने उसके बाद कहा कि अब दोबारा रीटेक हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त सब अदाकार हंस हंस कर अपनी कुर्सियों से गिर पड़े थे। अदाकार सतीश शाह ने इंकशाफ किया कि उन्हें डायरेक्टर फराह खान और शाहरुख खान ने दो ऑप्शंस दिए थे कि आया प्रिंसिपल का किरदार निभाएं या प्रोफेसर का। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये थूकने वाली बात सुनी तो कहा ये क्या खालिस किरदार है, जिस पर शाहरुख खान ने मुझ पर जोर दिया कि मैं यही किरदार अदा करूँगा, क्योंकि प्रिंसिपल का किरदार तो कोई भी दूसरा अदाकार कर सकता है। इस किरदार की बहुत प्रैक्टिस की, यहाँ तक कि एक मरतबा दूसरी फिल्म में गोविंदा के मुंह पर भी थूक चला गया, जिसके बाद मैंने माफी मांगी और बताया कि इस किरदार की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।